तो आज की जो C++ की क्लास है उसमें असाइनमेंट नंबर 2 हम करने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल सा जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर एक नया शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। सी में हम सभी ने फंक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो अगर आप सी के फंक्शन के बारे में जानते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, ओवरलोडिंग मतलब उसको ज़्यादा लोड दिया गया। अगर एक फंक्शन को कुछ ज़्यादा लोड दे दिया जाए, आप अगर किसी पर्सन को भी अगर ज़्यादा लोड दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ओवरलोड हो गया। गाड़ी में ज़्यादा सामान रख देते हैं तो ओवरलोड हो गया। यानी एक फंक्शन का जितना काम है उससे ज़्यादा काम अगर हम करवाएं तो वो हमारा ओवरलोडिंग कहलाता है। क्लियर है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ में अपना एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ओवरलोडेड होता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन का काम सिर्फ और सिर्फ बात करना होता है, जबकि आजकल के मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो बात करने के अलावा कैमरा भी बन जाते हैं, वीडियो प्लेयर भी बन जाते हैं, नेट भी चला सकते हैं, GPS भी बन जाता है, काफ़ी सारे 5-6 अलग अलग काम अकेला मोबाइल फ़ोन करता है। शुरू में जो मोबाइल फ़ोन आया करते थे उनका सिर्फ सिर्फ एक ही काम हुआ करता था कि वो कॉलिंग करते थे। आजकल के मोबाइल फ़ोन मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, ओवरलोडेड है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग का सीधा सीधा मतलब आप समझ रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ओवरलोडिंग कितना अच्छा फीचर है। पहले आज से आप 20 साल 10 साल पहले चले जाइए तो आपको अपने पास मोबाइल फ़ोन अलग से रखना पड़ता था, कैमरा अलग से रखना पड़ता था, MP3 प्लेयर अलग से रखना पड़ता था, नेट चलाने के लिए कोई और बाकी सारे डिवाइसेस, GPS डिवाइस अलग, यानी 6-7 अलग अलग डिवाइसेस लेके आपको कैरी करना होता। लेकिन आजकल का जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो ओवरलोडेड है और 5-6 डिवाइस का काम अकेले करता है। तो ये एक अच्छी फीचर है क्योंकि हमको मेंटेनेंस नहीं देखना पड़ता। एक बार चार्ज करो सारी चीज़ों का जो डेटा है वहाँ से ले लेता है, एक बार नेट पैक डलाओ सभी में डेटा आ जाता है। तो ये ओवरलोडिंग जो है वो काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये हमारे C++ में भी होता है जो C में नहीं होता था। C में सिंपल फंक्शन हुआ करते थे और 10 काम करना है तो 10 फंक्शन का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन ही 10 अलग अलग प्रकार के काम कर लेता है। इसी फीचर को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, जो कि हमको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और एक प्रोग्रामर का काम 10 गुना कम हो जाएगा अगर एक ही फंक्शन 10 काम करने लगे। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि टेक्निकली C++ में ऐसा क्या कोड लिखा जाए तो उसके लिए हमको फंक्शन ओवरलोडिंग जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है, फंक्शन प्लस क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। तो चलिए देखते हैं, अपने कोड में आ जाते हैं सीधा। हम फंक्शन और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक ही चीज़ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना है अभी तक कि आपका मोबाइल फ़ोन ही 4 काम करने लग जाए। मोबाइल फ़ोन में 4 काम कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ किया जाता है कि 4 चीज़ों को एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। एक ही बैटरी की लाइन से सप्लाई दी जाती है, एक ही इंटरनेट की लाइन से सप्लाई दी जाती है। तो इससे क्या होता है, 4 अलग अलग बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कॉस्ट कम हो जाती है। अगर मेरे पास 5 डिवाइस होती, 5ों में अलग अलग बैटरी, अलग अलग चार्जर लगाते, अलग अलग डिस्प्ले लगाते, तो उससे क्या होता, 5 गुना कॉस्ट बढ़ जाती। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, एक डिस्प्ले है, एक चार्जर है, उसी को सारी डिवाइस यूज़ कर रही हैं। यानी कि जो कॉमन चीज़ें हैं हमारे पास, एक जो डिवाइस का बॉक्स है इसमें जो भी चीज़ें कॉमन है वो सिंगल है, बाकी जो अलग अलग चीज़ें जैसे GPS का सर्किट है वो अलग से यहाँ पर जोड़ा गया है। तो एक ही डिवाइस 4 काम नहीं करती, बल्कि वो लोग अपने रिसोर्सेस को शेयर करते हैं और एक ही यूनिट में रहते हैं। ये सेम उस तरीके से है जैसे आपके घर में 5 मोबाइल है और एक ही चार्जर होता है, सभी लोग बारी बारी से उसको चार्ज करते हैं। तो आप अपने जो चार्जर को कॉमन रख दिए तो आपका जो चार्जर है वो ओवरलोड हो चुका है, यानी 4 मोबाइल्स को चार्ज करता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट हमको करना, क्लियर
क्लियर। तो चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल कोड आपको करके दिखाऊं कि बिना ओवरलोडिंग के लिए एक फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो मैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आपको पता है, और डॉट एच हम यहाँ पर लिखते हैं। ये दो हेडर फाइल हमको इंक्लूड करनी होती है और क्लास बनाना होता है। तो मैं क्लास में यहाँ पर कोई चीज़, जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ सम नाम से, हालांकि मैंने स्पेलिंग कैपिटल में लिखी है, लेकिन आप इस तरीके से लिखना। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसको ध्यान से लिखना है। और क्लास को लास्ट में सेमी कोलन से बंद करना ज़रूरी है, अदरवाइज मल्टीपल डिक्लेरेशन वाला जो एरर है वो आता है। 99% लोग ये सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। फिर शुरू में ही इसको लगा दीजिए, उसके बाद काम करना चालू करिए। यहाँ पे कोड लिखते लिखते लास्ट में भूल जाते हैं लगाना। अब यहाँ पर हम कोड करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि पब्लिक लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लॉक करने की फैसिलिटी है। अगर आप प्राइवेट लिख देते हैं या कुछ नहीं लिखते हैं तो प्राइवेट हो जाएगा और वो एक्सेसिबल नहीं होगा कोड। और यहाँ पर हम बनाते हैं वॉइड सम, या इसको हम मैथ्स नाम की क्लास बना लेते हैं। चलिए मैं सम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर मैंने सम नाम का फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर मैं सम करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने फंक्शन के बारे में जाना है कि सी में फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, इंट ए और इंट बी, और यहाँ पर मैं इसका सम करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसको सम कर देता हूँ, इंट सी लिया मैंने और सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसको बहुत सिंपल, अब थोड़ा सा हम लोग कोडिंग की जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा कंप्रेस भी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो दो लाइन के बदले हमने एक लाइन पे ही कोड में बना लिया, ये सम हो गया। और साथ ही साथ मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। आपको पता है कि प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं, हैंडल लाइन चेंज करने के लिए हैंडल, और सी आउट करने के बाद मैंने सी को प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा सम करने का कोड बन गया है। बकायदा मैंने इसको क्लास के अंदर लिखा है। जो लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले कंसेप्ट वाली क्लास देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्लास के अंदर लिखने के बाद पब्लिक लिख करके हम इसे फंक्शन बनाते हैं। इसके बाद मैं वॉइड मेन बनाता हूँ। वॉइड मेन हमारा सेम सी के जैसे होगा, सी एल आर एस सी आर और गेट सी एच। आपको मैंने बताया भी था कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे हम यहाँ पर इंट ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर हम मैक्स एम एन ओ ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, प्राइमरी डेटा टाइप है, पहले से बना बनाया डेटा टाइप था और हम उसके वेरिएबल्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये मैथ्स है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हमने बनाया है। यहाँ पर ऐसे कोई डेटा टाइप पहले से नहीं था, मैंने अपने हिसाब से डेटा टाइप बनाया। और ये सेम वही कंसेप्ट है कि आपने पहले मैगी खरीद के लाई और बने बनाए मसाले को मैगी में डाला और बना दिया। दूसरा ये वाला जो लाइन है वो ये बताता है कि आपने मैगी का नूडल खरीद के लाया और मसाला खुद बनाया है आपने, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसके वेरिएबल्स होते हैं, सेम इसी की तरह से। तो सी में हम क्या करते थे, पहले से बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करते थे, अब हम अपना खुद का नया चीज़ बना रहे हैं। तो ये लाइन मैंने समझाने के लिए लिखी थी, इसको हटा देता हूँ। मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका एम, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखा सम, और मुझे दो नंबर्स को सम करना है यहाँ पर, जो कि सम में आप देख पा रहे हैं। अगर आपको फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्लियर होगा सी में, तो आपको पता है कि ये दो आर्ग्यूमेंट हैं ए और बी में। तो मैं यहाँ पर 3 एंड 7 दिया। ये जो 3 है वो आपको पता चल रहा होगा कि जब इसकी कॉलिंग होगी फंक्शन की, तो ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, ए में, और 7 कहाँ चला जाएगा, बी में। तो ये ए और बी में 7 जो है रिटर्न होके इसमें आएगा 10, और आउटपुट आपका 10 आने वाला है। ये फंक्शन की कॉलिंग मैंने सिंपल बना दिया। यहाँ पर अभी ओवरलोडिंग नहीं की गई है, ये जो फंक्शन है ये ओवरलोडेड नहीं है, सिंपल फंक्शन है। ओवरलोडिंग थोड़ी देर के बाद हम करेंगे। इसको पहले सबसे पहले सेव कर देते हैं। हम इसको टर्बो सी में ओपन करने वाले हैं, इसलिए अपने सी ड्राइव में इसको टी सी बिन के अंदर सेव करेंगे। मैं यहाँ पर सी पी पी नाम का फोल्डर बना रखा है मैंने,
और p2.cpp, मैंने पहले भी बताया है कि इसका एक्सटेंशन cpp लेना जरूरी है, अगर ये नहीं लेते हैं तो एरर आएगा। तो p1 का जो प्रोग्राम था ये p2 में सेव कर रहा हूँ, ये हमारा प्रोग्राम बन गया जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है और उसको कॉल किया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ये फंक्शन की बॉडी है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारी फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पर उसको कॉलिंग की गई है सिंपल, जो हम सी में भी करते थे, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं अपने सीपीपी में। मैं टर्बो सी का एडिटर ओपन करता हूँ और टर्बो सी के एडिटर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तो चलिए हम अपने जो कोड लिखे हैं उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये p2.cpp, इसको मैं ओपन कर लिया और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि वो सारा कोड यहाँ पर आ गया है। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। एक एरर यहाँ पर दिखाई दिया, स्टेटमेंट मिसिंग है। अच्छा, यहाँ पर सेमी कोलन जो है वो मिसिंग था। मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, इसको रन करते हैं और ये फंक्शन की सिंपल कॉलिंग होने वाली है अभी, और आउटपुट में 10 आने वाला है, जो आपको स्क्रीन पर 10 दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर इसको ओवरलोड करने वाले हैं, इस फंक्शन को ओवरलोड करते हैं। कैसे ओवरलोड करेंगे देखते हैं इसको हम। तो अपने पुराने स्क्रीन पर हम आ जाते हैं और वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि ओवरलोडिंग कैसे की जा रही है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मैं पहले यहाँ सेमी कोलन लगा देता हूँ। ओवरलोडिंग करने का मतलब ये होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है दो अलग अलग हिस्से में बना हुआ है, और ये वाला कोड किसी और के हिस्से में लिखा जाता है, कोई और लिखता है, और ये कोड कोई और लिखता है। मेन का कोड लिखने वाले पर्सन को नहीं पता होता है कि इसने क्या कोड लिखा है, और इस कोड को लिखने वाले को नहीं पता होता है कि मेन ने क्या लिखा है। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया है पहले भी, कि जैसे एक मूवी होती है, दो एक्टर्स, एक एक्टर को पता नहीं होता कि दूसरा एक्टर क्या कर रहा है, कौन कौन से सीन्स कर रहा है, क्या डायलॉग बोल रहा है, उसको अपने सीन और उससे मतलब होता है। लेकिन जब पिक्चर बनती है तो वो सारे लोग जो हैं एक ही मूवी में होते हैं, तो उसी तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला पर्सन है जिसने क्लास बनाया है, जिसने डेटा टाइप बना रहा है, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा है, वो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेन लिखने वाले को वो काम एकदम आसान लगेगा। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर आप सी के प्रोग्रामर हैं और आप वॉइड मेन का कोडिंग करते हैं, तो कितने आसानी से यहाँ पे सम हो जा रहा है, फैक्टोरियल हो जा रहा है, सब चीज़ दो तीन लाइन लिखने पर हो रहा है, क्योंकि एक नया डेटा टाइप बना हुआ मिल रहा है। अब मैं इसको ओवरलोड करने जा रहा हूँ, तो इस क्लास के अंदर मैं इसको ओवरलोड करूँगा। ओवरलोड करने का नियम क्या है, अब हमारा पॉइंट चालू हो रहा है। ओवरलोड करने का नियम होता है एक ही नाम का एक से अधिक फंक्शन एक क्लास के अंदर होना। तो यहाँ पर पहले अगर सम नाम का एक फंक्शन है और यहाँ पे सम नाम का दो फंक्शन बना देते हैं, वॉइड सम, तो ये फंक्शन ओवरलोड हो गया। ये चीज़ सी में जो है आप अलाउ नहीं कर सकते, कि एक ही नाम का दो चीज़ यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पर सी प्लस प्लस में ये आपको अलाउ करता है कि एक ही नाम के दो फंक्शन, तीन फंक्शन, 5, 10, 15, 20 जितने बनाने बनाइए। जितने ज़्यादा फंक्शन आप एक ही नाम के बनाएंगे, उतना ज़्यादा टास्क एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। तो एक ही फंक्शन से आप 10 टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो 10 फंक्शन बनाना पड़ेगा सेम नाम से। तो इसके तीन नियम क्या क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला जो नियम है फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि जो उसका नेम है वो सेम होना चाहिए। फंक्शन का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर दो फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन ओवरलोड हुआ है। दूसरा, दोनों फंक्शन सेम क्लास के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो क्लास है, एक फंक्शन एक क्लास में है, दूसरा जो फंक्शन है दूसरे क्लास में है। एक क्लास, एक यूनिट के अंदर होने चाहिए दोनों, तभी ओवरलोड होंगे। ये देखिए, यहाँ पर दोनों फंक्शन एक ही यूनिट के अंदर है। तीसरा पॉइंट, दोनों फंक्शन का नाम तो सेम होता है, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो अलग होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट लिस्ट को डिफरेंट करना है तो उसके भी रूल्स हैं, वो हम देख लेंगे आगे क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दो नंबर्स मैंने दिया, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तीन नंबर दे देता हूँ, इंट ए, इंट बी, सी। ठीक, एक और फंक्शन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तीन फंक्शन बना लेते हैं चलिए,
और यहाँ पर तीन के बदले चार दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, तो मेरे तीनों नियम यहाँ पर मैं चेक करूँगा। पहला, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, तो तीनों फंक्शन का नाम यहाँ पर सेम है, यस, पहला पॉइंट मेरा करेक्ट है। दूसरा, तीनों फंक्शन या मल्टीपल फंक्शन एक ही क्लास के अंदर होने चाहिए, करेक्ट, तीनों एक ही के अंदर हैं। तीसरा, तीनों के आर्गुमेंट लिस्ट मतलब ये, इसको सिग्नेचर भी कहा जाता है, यानी तीनों का सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए, ये सिग्नेचर से ही हम पहचानते हैं, क्लियर। तीनों का सिग्नेचर भी अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है और फंक्शन तीन काम करने वाला है, यहाँ पर एक ही फंक्शन तीन काम करने वाला है, तीनों का कोड अलग अलग है। तो मैं ज़्यादा कठिन कोड ना लिख करके सिंपल कोड यहाँ पर लिखने वाला हूँ। यहाँ पर ए, यहाँ पर सी के बदले डी हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पर डी प्रिंट होगा। सेम यही कोड मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर डी के बाद ये आपका हो जाएगा डी और प्लस सी और यहाँ पर होगा डी, यहाँ पर होगा ई और प्लस सी प्लस डी और ये ई को प्रिंट करने वाले हैं, क्लियर। तो अब आप देखेंगे, मान के चलिए आपको ये कोड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड दिखाई देता है, सर वहाँ इंट डी आएगा ना वो चौथे वाले वॉइड सम में। यस यस, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से ओवरलोडेड है क्योंकि इनके सिग्नेचर्स अलग अलग है। ये फंक्शन दो नंबर को सम कर रहा है, ये तीन नंबर को सम कर रहा है और ये चार अलग अलग नंबर्स को सम कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर चार अलग अलग नंबर्स को सम करने के लिए ये फंक्शन है। अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूँ कि अगर आपको सिर्फ ये वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है, तो देखने में कितना अच्छा लगता है कि चार लाइन का कोड लिखे और यहाँ पर ये सम हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि फंक्शन में ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है वो फिक्स होती है? जैसे गेट सी एच में आप यहाँ पर ब्लैंक दे रहे हैं, यहाँ पर आप इंट इंट 5 int 9 ऐसे दे देंगे तो एरर आने लग जाएगा, क्योंकि आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि हर फंक्शन में ये जो लिस्ट होती है वो फिक्स होती है। अगर तीन है मतलब तीन वैल्यू देना है वहाँ पर, पांच है मतलब पांच वैल्यू देना है, जीरो है मतलब जीरो वैल्यू देना है। लेकिन आप एक ऐसे फंक्शन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल किया और इस तरीके से ये कोड बन गया है और आपको सिर्फ इतना कोड दिख रहा है, तो आपको पता है कि इसका आंसर आने वाला है 10। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊपर का ये कोड हम मान के चलते हैं आपको नहीं दिख रहा है, सम फंक्शन ओवरलोडेड है जो दो तीन और चार को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो चलिए हम इसको टर्बो सी प्लस प्लस के एडिटर में ओपन करके देखेंगे। तो मैंने टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर ओपन कर लिया है और हम उसमें जंप करते हैं। तो टर्बो सी प्लस प्लस में जब हम ओपन करेंगे अपने कोड को, P2 वाला जो कोड है उसको ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज, एक नई चीज देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये वाला कोड सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर इस कोड को रन करने से हमारे पास आने वाला है 10। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, पहले देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं है। यहाँ पर एक एरर दिख रहा है और ओके, बॉडी ऑलरेडी डिफाइंड है, नीचे चला गया है, नीचे दो मेन बन गए हैं। ओके, इस मेन को डिलीट कर देते हैं। ये मेन हमको, ये वाला जो मेन है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट 10 आ गया है यहाँ पर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर तीन नंबर को अगर सम करना होगा तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बढ़ा सकते हैं। मैंने 6 लिखा, 6 + 7 + 3 यानी कि 16 आपका आउटपुट आने वाला है।
16 आ गया। अब चार नंबर को भी ऐड करना है, तो मैंने चौथा नंबर दे दिया और चार नंबर को भी ऐड कर दिया, ये 20 आ गया। तो यानी कि सम नाम का, आप अगर मेन का कोड लिख रहे हैं तो कितना अच्छा है कि सम नाम यूज करिए, आपको बार बार अलग नाम यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल सम लिखिए, वो दो नंबर को भी ऐड कर रहा है, तीन को भी कर रहा है और चार को भी कर रहा है। यानी एक ही सम जो है चार अलग अलग काम कर रहा है, दो नंबर्स को भी ऐड करता है, तीन को भी ऐड करता है, चार को भी ऐड करता है। देखने में कितना अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है, हमको चार अलग अलग फंक्शन यूज नहीं करने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं और वो चार अलग अलग काम कर रहा है। ऐसा जादू इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर किसी डिजाइनर ने ये कोड कर रखा है। ये अपने आप नहीं होता कि तीन नंबर से चार, जैसे यहाँ पर पांच नंबर को ऐड करने का कोड नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि पांचवा नंबर दे देंगे तो क्या एरर आना लग जाएगा। इस तरीके से एरर आएगा, क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट मिसमैच हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, सिग्नेचर क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सी में यही काम जो है वो पॉसिबल नहीं था। सी में सम दो नंबर को ऐड करना है तो एक फंक्शन बनाते थे सम वन नाम से, फिर दूसरा फंक्शन बनाते थे सम टू नाम से, और फिर तीन नंबर देते थे उसमें ऐसे, ठीक है, और तीसरा ऐड करना था तो सम थ्री नाम से, ऐसा ऐसे तीन अलग अलग नाम के फंक्शन यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये सेम वही चीज़ है जो मैंने भी बताया कि आपके पास पहले ज़माने में मोबाइल हुआ करता था, कैमरा अलग होता था, तो तीन अलग अलग चीज़ें आप लेके घूम रहे हो, एक मोबाइल, एक कैमरा, एक जीपीएस। आज की डेट में क्या कर दिया गया, इनको मिटा दिया गया और सबको एक ही में इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पर यही दो नंबर को भी ऐड कर ले रहा है, यही तीन नंबर को भी ऐड कर ले रहा है, यही चार नंबर को भी ऐड कर ले रहा है। अभी ऐड कैसे करता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये सम फंक्शन जो है ना वो ओवरलोडेड है, इसलिए ऐसा काम कर पा रहा है, क्योंकि वो अकेला तीन के बराबर काम कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देते हैं, यहाँ पर आप जैसी वैल्यू दे रहे हैं, इसका जो सिग्नेचर है इससे मैच खा रहा है, क्योंकि इसमें चार वैल्यूज है 1 2 3 4, तो सिग्नेचर इससे मैच खा रहा है। तो सिर्फ ये रन होगा, ये और ये रन नहीं होगा। ये सेम उसी तरीके से जब मोबाइल पर आपका कॉलिंग चल रहा होता है तो उस समय आपका वीडियो प्लेयर, कैमरा सब जो है बंद हो गया रहता है, एट ए टाइम एक ही चीज़ जो है वो चल रही होती है, ठीक है। आजकल मल्टीटास्किंग आने की वजह से दो दो तीन तीन चीज़ें भी एक साथ चलते रहती है, जैसे आप अपना मोबाइल पर बात कर रहे हैं, साथ में कैमरा भी चल रहा है, इस टाइप की चीज़ें चलती रहती है, लेकिन सिंगल रिसोर्सेज वाली चीज़ एक साथ नहीं चलती, जैसे गाना और बात करना एक साथ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉलिंग होती है ओवरलोडिंग के कारण, वो ये होती है कि जब आप यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल होता है, जिसकी जिसका सिग्नेचर इससे मैच खा रहा है, ये वाला, उस समय ये दोनों कॉल नहीं होते हैं। तो हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक ही चीज़ तीन काम कर रही है, लेकिन उस तीन काम को करने के लिए इस डिवाइस के अंदर तीन बार कोड किया गया है। लेकिन जो दूसरे प्रोग्रामर्स हैं, जैसे सी के प्रोग्रामर्स हैं, उनको खूब अच्छा लगता है। सेम ये इसी तरीके का कंसेप्ट है, जैसा आप यहाँ पर देखते होंगे कि आपको भी ये चीज़ भी पता होगी कि सी लैंग्वेज या कंप्यूटर में ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो तीन नंबर्स को ऐड कर सके। आपको इतना बड़ा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो इस तरीके का कोई भी स्टेप जो है परफॉर्म नहीं कर सकता, तीन नंबर्स को ऐड नहीं कर पाता है ये। सीपीयू जो होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सिर्फ दो नंबर्स को ऐड कर पाए, ठीक है, ये सिर्फ दो नंबर को ऐड करता है। तो वो कैसे काम करता है, पहले वो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को ऐड करता है, ए प्लस बी मान लीजिए 4 आया, तो फिर उसमें डी को ऐड करता है, यानी दो स्टेप में ऐड होता है। जैसे ये सेम मैच की तरह होता है, अगर तीन तीन कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीनों के बीच में हमको मैच कराना है तो पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, दोनों में से जो जीतेगा उसका चाइना के साथ मैच होगा। तो वही प्रोसेस जो है यहाँ पर डबल स्टेप में होता है, यानी जो हम इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं उसके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तीन नंबर को एक साथ ऐड कर सके या कैलकुलेट कर सके, सिर्फ दो नंबर्स को परफॉर्म करता है, इसीलिए उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं।
हमारे पास जो सर्किट्स हैं इतने बड़े बड़े जो माइक्रोप्रोसेसर के सर्किट्स से दिखते हैं वो सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन के लिए ही एलिजिबल हैं, फिर भी हम ऐसा 3 स्टेप लिखते हैं और हमको आंसर मिल जाता है। कितना अच्छा लगता है देखने में कि अरे हम यहाँ पर 2 लिखें या 3 लिखें, हमको आंसर यहाँ पर मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इक्वल टू बी प्लस सी लिखते हैं तो भी आंसर मिल जाता है, ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी लिखते हैं तो भी आंसर मिल जाता है, और ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी लिखते हैं और ई लिखते हैं तो भी आंसर मिल जाता है। तो हमको लगता है कंप्यूटर ये सारी चीज़ों को कर लेता है, 2 नंबर को भी जोड़ लेता है, 3 नंबर को भी जोड़ लेता है, 4 नंबर को भी जोड़ लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में वो 2 2 नंबर करके जोड़ता है। अगर 4 नंबर को जोड़ना है तो पहले वो बी और सी को जोड़ता है, फिर इसका जो आउटपुट आता है उसको डी और ई के जो आउटपुट है उनसे जोड़ता है। ठीक है, तो हमको देखने में काफ़ी आसान लगता है कि इतना आसानी से हो रहा है, लेकिन अंदर में काफ़ी सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने देखा कि इस तरीके से काम करते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग कुछ भी चीज़ नहीं है, एक फंक्शन को एक फंक्शन का कई रूप, यानी एक फंक्शन मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसके 3 रूल हैं, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, एक ही क्लास में होना चाहिए, और उनके सिग्नेचर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा करने से जो कोड, जो पर्सन मेन का कोड कर रहा है उसको काफ़ी आसानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी आसानी से देखने के लिए मिलता है कि 4 नंबर भी जुड़ जा रहा है, 2 नंबर भी जुड़ जा रहा है और 3 नंबर भी जुड़ जा रहा है, तो फंक्शन के नाम चेंज नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से हमने असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसको किया।